क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन क्या है? एक इंक्लाइंड है जिसका एंगल है थीटा, ये इंक्लाइंड सरफेस है, और इस सरफेस पे दो ब्लॉक रख रखे हैं M1 और M2। ये मान लेते हैं M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है, और ये एक लाइट रॉड से कनेक्टेड है, ठीक है। और कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है दोनों का, इसका भी म्यू है और इसके लिए भी कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू है। हमें पूछा है कि इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन, और इस रोड के बीच में फोर्स क्या होगा, ठीक है। फोर्स बाय द रोड ऑन वन ब्लॉक, यानी इस रोड की वजह से इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करते हैं, ठीक है, तो कोई रोड का फोर्स होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो अभी टेंशन फ्री है, ठीक है। अब ये भी सेम एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, इसके बीच में टेंशन जनरेट ही नहीं होगा। टेंशन कब जनरेट होगा? फोर्स कब जनरेट होगा? जब ये धीरे मूव करे और ये तेज मूव करे, तब भी यहाँ पर फोर्स लगेगा, स्ट्रेस लगेगा। या फिर ये फास्ट मूव करे, तो ये फास्ट मूव करेगा तो क्या होगा, ये इसको खींचेगा तो यहाँ पर फोर्स आएगा। अगर ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगा, राइट। तो कोई फोर्स नहीं आएगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा ही नहीं, ओके। तो यहाँ पर देखो, पहले एक चीज़ देखो, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है। इसके एक्सेलरेशन की बात करूँ तो नीचे mg, ये mg cos theta, और ये mg sin theta, और ये अपना नॉर्मल, ये इसका FBD। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ये इसका फ्रिक्शन पीछे, राइट, ओके। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये रोड है ही नहीं है दूसरा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलेशन होगा नेट फोर्स आगे की तरफ है, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन क्या होगा? नेट फोर्स एम है, तो फ्रिक्शन है अपना म्यू इंटू एन। तो एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन कितना? म्यू इंटू एन। तो इसको एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कोस थीटा, क्योंकि एन एम जी कोस थीटा इक्वल है। तो यहाँ से एक्सेलेशन आ जाएगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस जी म्यू जी कोस थीटा, और जी को कॉमन ले लेते हैं, तो ये साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, ये आएगा एक्सेलेशन। ये M1 ब्लॉक का एक्सेलेशन है, राइट। इसी तरह M2 ब्लॉक का एक्सेलेशन होगा, M2 ब्लॉक का एक्सेलेशन भी सेम आएगा, क्योंकि M के टर्म में आएगा नहीं, मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो M1 और M2 का एक्सेलेशन सेम होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों का फ्रिक्शन कोफिशेंट सेम है, एंगल सेम है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम है, जी सेम है। तो एक्सेलेशन M1 का और M2 का एक्सेलेशन तो यही रहेगा, मीन्स इस पूरे सिस्टम का एक्सेलेशन ये रहेगा, ओके। अब एक्सेलेशन सेम है तो इसका बीच में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, यानी इस रोड की वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगा, ना ही ये ब्लॉक इस रोड के ऊपर फोर्स लगाएगा। यानी सेकेंड पार्ट जो फोर्स निकालना था वो क्या है? ज़ीरो। और एक्सेलेशन ऑफ सिस्टम क्या है? जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए।